वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 1-5 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें किसी न किसी को हमने दोष नहीं दिया हो अथवा दूसरों के बारे में गलत न सोचा हो। दूसरों को दोषी ठहराना हम सबों की आदत बन गई है। दूसरे लोगों की बुराइयों के बारे में हम बहुत चिंतित हो जाते हैं और अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। ऐसा दूसरों के ऊपर दोष लगा के हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं और समाज में भले आदमी का घूंघट पहनकर जीते हैं। आज के सुसमाचार द्वारा ईसा मसीह कहते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम दोषी हैं इसलिए दोष लगाते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वह पूरी तरह से पापी है या पूरी तरह से पुण्यवान है। मानव होने के नाते हम पाप के दास हैं और कभी कभी गिर जाते हैं, इसलिए हमें दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। जब हम लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं तब हम अपनी बड़ी गलतियों को छिपाकर दूसरों की छोटी गलतियों को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम अपनी आँखों से धरन निकालने के बदले अपने भाई की आंख का तिनका निकालने का व्यर्थ काम कर रहे हैं। रोमियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वही कुकर्म करते हो। इसलिए जब हम दूसरों पर अपने विचार और वचन से दोष लगाते हैं तब हम व्यक्तिगत रूप से यह विचार करें कि मुझे सचमुच ऐसा दोष लगाने का अधिकार है? क्या मैं भी वही पाप नहीं करता हूँ? दोष लगाना हमारा काम नहीं, बल्कि अच्छा जीवन बिताकर दूसरों के लिए नमूना बनना है।
आइए, आज तक जितना भी हम दूसरों पर दोष लगाए होंगे उनके लिए मन से पश्चाताप प्रकट करें, ईश्वर से माफ़ी मांगें और सतर्क रहकर जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। आमीन।